टिकट की घोषणा हुई है, उसके बारे में बताइए। मुझे छोटे जैसे कार्यकर्ता के ऊपर आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो विश्वास किया है, मैं अपनी तरफ से इस जिम्मेवारी के ऊपर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। और जो गोहाना शहर और गांव के जितने भी लोग हैं, सभी पार्टियों की टिकट आने के बाद सभी आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला से एक अपेक्षा कर रहे थे कि वो हमारे बीच के कार्यकर्ता ओम प्रकाश गोयल को टिकट देंगे। तो चौटाला साहब ने उन सभी शहरवासियों को, ग्रामवासियों की भावनाओं को देखते हुए जो मुझे टिकट दिया है, मैं सभी हलका वासियों की और चौटाला परिवार की जो भी उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे हमारे ये है कि सबसे पहले जैसे कि चौटाला साहब ने घोषणा की है और हमारी सरकार के अंदर पहले भी रहा है कि हमारी सरकार एसी कमरों में नहीं चलती, बल्कि जनता के बीच में रह कर के फैसला करते हैं। और यहाँ पर आए चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने भी ये कहा था कि टिकट दिल्ली के दरबार से नहीं बल्कि गांव की चौपालों में जाकर के दी जाएगी, और वो गोहाना में आकर कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर के उनकी भावनाओं को जान करके उसको देख करके उन्होंने फैसला किया है, इसके लिए भी हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। पार्टी का जो भी आदेश आएगा, अगर कोई सामूहिक रूप से या कोई तिथि विशेष के लिए पार्टी का आदेश होगा तो उसके हिसाब से भरेंगे, और आज घोषणा हुई है। नहीं तो कार्यकर्ता साथियों से हमारे आदरणीय डॉक्टर राम कुमार जी सैनी, राजेश असीजा जी, सुरेंद्र मलिक जी, जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, युवा के जिला अध्यक्ष हैं, सभी से सलाह मशवरा करके और इसका फैसला कर लेंगे। मैदान में राजकुमार सैनी भी आ गए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र के अंदर सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। राजकुमार सैनी जी आए हैं, उनका भी स्वागत है। फैसला जनता जनार्दन ने करना है, जिसको भी जनता ठीक समझेगी उसे विधानसभा में भेजने का कार्य करेगी,